गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल आप लोगों को सेवन्थ चैप्टर कंप्लीट कराया गया है। आइए एट चैप्टर देखते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए पार्ट आठ आपका है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें देखते हैं एक चर क्या होता है जिसका कि अज्ञात राशि की घात क्या होगी। यदि अज्ञात राशि की घात हमारी क्या होगी, वन होगी, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। क्या कहलाएगा वह, रैखिक समीकरण। जैसे देखते हैं, जैसे में क्या है, ठीक है। देखिए इसमें अज्ञात राशि क्या है, एक्स, यह हमारी अज्ञात राशि, ठीक है। एक्स क्या है, अज्ञात राशि है, और ए और बी जो है यह हमारे स्थिर है, यह ए स्थिर राशि है, बी भी क्या है, ए और बी जो हैं स्थिर है, और यह एक्स जो है क्या है, अज्ञात राशि है, और एक्स का जो घात है वह क्या है, अज्ञात राशि की घात क्या है, वन है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, इसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। देखिए रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो विधि का प्रयोग किया जाएगा। दो जो विधि है वह कौन कौन सी विधि है, देखिए हल करने की, हल करने की दो विधि, पहली है भूल भूल या विधि, जो दूसरा है वह है प्रतिस्थापन विधि। दो विधि इसमें आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है भूल या प्रयत्न विधि, और दूसरा क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि। आइए देखते हैं भूल या प्रयत्न विधि क्या होता है। थ्री एक्स प्लस फाइव इज़ इक्वल टू 11, यह देखिए हमारा रैखिक समीकरण है, ठीक है। एक घातीय समीकरण भी इसे कह सकते हैं और रैखिक समीकरण भी कह सकते हैं। एक घातीय समीकरण मतलब कि अज्ञात राशि का घात एक है, इसलिए इसे एक घातीय समीकरण कहते हैं या फिर रैखिक समीकरण भी कहेंगे।
विचार कर रहे हैं कि जो दुर्गति है, पहला जो हम दुर्गति बता रहे हैं धूल या प्रयत्न, धूल या प्रयत्न विधि से किस प्रकार करेंगे, और सेकेंड में पहला हम बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, धूल या प्रयत्न विधि, और दूसरा जो है प्रतिस्थापन विधि। देखिए कैसे करेंगे, इस विधि से जब हम हल करेंगे तो 3x धन फाइव बराबर 11 है, तो x बराबर 11 हम x का मान तब तक रखते जाएंगे जब तक कि यह समीकरण को संतुष्ट ना करें। संतुष्ट करने का अर्थ क्या है, संतुष्ट करने का अर्थ यह है कि इसका जो दायां पक्ष है वह बायां पक्ष के बराबर और जो बायां पक्ष है वह दाहिने पक्ष के बराबर हो जाए। ठीक है, देखिए हम जब रखेंगे तो यह है 3 × 1 + 5, क्या हो जाएगा, यहाँ 3 × 1 = 5 बराबर हो जाएगा 8, जबकि हमें क्या आना है 11। ठीक उसी प्रकार x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो होगा 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 6, 5 = 11। देखिए यह 11 आ गया, यानी कि इसमें x का मान क्या होगा, इसमें x बराबर 2 होगा। आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, इसमें हमें देखना होगा कि कहा जाएगा कि x बराबर 2, क्या x बराबर 2 इस समीकरण का हल है, तो हम प्रतिस्थापन विधि से जब करेंगे तो इसमें क्या होगा, आप x का जो मान दिया गया है आप उसमें उस समीकरण में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 3x + 5 = 11 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर 3 × x की जगह क्या रखना है हमें 2, धन 5 बराबर जाएगा 11। समीकरण
उस मान को हम सबूत में रखेंगे। रखने के बाद उसे हल करेंगे और हम देखेंगे कि क्या दाहिना पक्ष हल करने पर, बायां पक्ष हल करने पर दाहिने पक्ष के बराबर आ रहा है या नहीं। यदि आ रहा है तो इसका मतलब कि वह उस समीकरण का हल है। तो यह सेकेंड था प्रतिस्थापन विधि और पहला था भूल या प्रयत्न विधि। आइए इसी से अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें करेंगे, इसमें जो है ठीक है, यह हमारा हो गया। आइए अब हम देखते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं। व्यवस्थापन विधि भी देखिए आपको पढ़ना है। व्यवस्थापन विधि में क्या है, यदि किसी रैखिक समीकरण में एक ही राशि को जोड़ या घटा दिया जाए तो समीकरण में अंतर नहीं होता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं व्यवस्थापन विधि भी और क्या देखना है, और आपको देखना है पक्षांतर विधि। यह हो गया, आइए पहला हो गया, दूसरा हो गया, आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है व्यवस्थापन विधि। देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे x प्लस आई बराबर, ठीक है, यह समीकरण आपको दिया गया है और इसे हल करना है व्यवस्थापन विधि द्वारा। तो हम कहे हैं कि किसी भी संख्या को जोड़ने या घटाने पर एक ही संख्या से समीकरण के दोनों पक्षों में, देखिए हम सिर्फ इसे एक करना चाहते हैं, मतलब इसमें सिर्फ क्या रहे, अज्ञात संख्या रहे, संख्या ना रहे, ठीक है, पक्षों में। तो पांच इसमें घटाएंगे तभी ये खत्म होगा, पांच घटाएंगे हो जाएगा x प्लस पाँच माइनस पाँच माइनस पाँच, प्लस माइनस जीरो जाएगा तो x प्लस जीरो बराबर जाएगा माइनस x प्लस जीरो यानी x x बराबर माइनस। यह देखिए व्यवस्थापन विधि है। व्यवस्थापन विधि के द्वारा हम x का मान यहाँ निकाल लेंगे। ठीक, आपको हम बता दे रहे हैं कि व्यवस्थापन विधि द्वारा किस प्रकार एक्स का मान निकालना है, तो इस तरह से आप व्यवस्थापन विधि द्वारा निकालेंगे। आइए अब हम देखते हैं पक्षांतर विधि। अब हम देखेंगे, तीसरा हो गया,
आइए अब देखते हैं पक्षांतर विधि। चौथा पद है पक्षांतर विधि। इसे देखिए कैसे करेंगे। यदि कोई समीकरण दिया गया है मान लीजिए कोई समीकरण है, ठीक है, पक्षांतर विधि में क्या करते हैं कि चर पदों को एक साथ और अचर पदों को एक साथ करेंगे, ठीक है। जो चर पद है उसको एक साइड रखते हैं और जो अचर पद है उसे एक साइड करते हैं। और पक्षांतर करते वक्त चिन्हों का ध्यान दीजिएगा, चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं। यदि वह धन है तो ऋण हो जाएगा और ऋण है तो धन, और गुणे के रूप में है तो भाग और भाग के रूप में है तो गुणा। देखिए इसमें कैसे करेंगे। वाई यह पांच हमारा नंबर है तो यह कहाँ जाएगा, इस साइड। क्यों? क्योंकि यह छः देखिए यहाँ पे नंबर है, अचर राशि है तो छः देखिए अचर इस साइड है, तो इस वाले अचर राशि को हम क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे। तो पांच इधर आएगा तो प्लस पांच है तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस पांच। तो वाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, वाई वन। यही है हमारा पक्षांतर विधि, ठीक है। चारों हमने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार हम समीकरण का हल निकालेंगे। उसके जो चार विधि हैं, पहला आपको बताए हम, पहला बताए हैं झूल या प्रयत्न विधि। दूसरा आपको बताया गया है, दूसरा आपको जो बताया गया था प्रतिस्थापन विधि। तीसरा आपको बताया क्या गया, व्यवस्थापन विधि। और चौथा क्या हो गया, पक्षांतर विधि। यह चारों विधियां हैं, इस चारों विधियों से समीकरण का हम हल निकालेंगे। आइए अब हम अभ्यास पे चलते हैं। पहला है प्रयत्न भूल विधि से निम्नलिखित रेखीय समीकरण के हल या भूल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, यह चारों विधियां आप लोग पढ़ लिए। अब देखेंगे पहले प्रश्न को, पहले क्वेश्चन को देखिए। प्रयत्न भूल विधि के द्वारा ये हो गया। अब यह रहा प्रश्न संख्या पहला, ठीक है, अभ्यास है आपका। एक पॉइंट वन में है प्रश्न संख्या वन, भूल या प्रयत्न विधि से आपको हल करना है। देखिए कैसे करते हैं। पहला जो प्रश्न आपको दिया गया है x प्लस थ्री बराबर नाइन, ठीक है, x प्लस थ्री बराबर नाइन। यही आपका समीकरण दिया गया है। भूल या प्रयत्न विधि तो हम आपको कहे हैं कि आप x का मान जीरो से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, x का मान स्टार्ट करेंगे रखना और तब तक रखेंगे जब तक कि वह क्या ना हो जाए, जब तक कि वो उसका मान ना आ जाए। तो x बराबर जीरो रखते हैं, जीरो रखने पर क्या आ जाएगा, तो जीरो धन तीन बराबर क्या हो गया, अभी ये या नहीं आया। अब x बराबर वन रखेंगे, x बराबर वन रखने पर
बराबर जब दो रखेंगे तो देखिए पांच अभी भी नहीं आया। एक्स बराबर तीन रखने जब एक्स बराबर तीन रखेंगे तब देखिए क्या हो जा रहा है। तीन नाम तीन बराबर छः अभी भी नहीं आया। अब रखेंगे एक्स बराबर चार रखेंगे एक्स बराबर चार रखने पर क्या हो जाएगा। चार नाम तीन बराबर सात एक्स के जगह पर चार रखेंगे और तीन तो है ही तो चार नाम तीन बराबर सात एक्स बराबर देखिए आ गया छः दन तीन जब रखे छः जब रख दिए हैं तो हमारा यहाँ आ गया तो क्या लिखेंगे अतः एक्स नंबर छः समीकरण एक्स नाम तीन बराबर संतुष्ट करता है अतः क्या हो जाएगा एक्स का तीन बराबर नौ का हल एक्स बराबर छः ठीक है। इस तरह से इसे क्या करेंगे हल करेंगे यानी जिस तरह से पहला क्वेश्चन हल किया गया है उसके जितने भी भाग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हैं सारा आप करेंगे ठीक है। इसी तरह इसे आप क्या करेंगे हल करेंगे देख लीजिए नोट करिए इसे आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं जो दूसरा आपका है दूसरा है व्यवस्थापन विधि दूसरा देखना है व्यवस्थापन विधि आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा पहला हो गया अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न संख्या दूसरा देखिए दूसरा जो आपका है इसे हम करना है व्यवस्थापन विधि व्यवस्थापन विधि इस तरह से इसे हल करना है।
पहला है 3x बराबर 6। इसे आप व्यवस्थापन विधि द्वारा इसका हल करेंगे और उत्तर का जांच नहीं करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सिर्फ हमें x चाहिए तो 3x बराबर 6 का अर्थ है 3x बराबर 6। यही है। x हमारा चर पद और यह 3 क्या है? अचर पद। x हमारा चर पद है और 3 क्या है? अचर पद। चर और अचर पद के बीच में यदि कोई भी चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह मांगते हैं हम? गुणे का चिन्ह मांगते हैं। तो गुणे का चिन्ह हो गया। अब हमको इसमें सिर्फ x हटाना होगा, नंबर को इसे हटाना होगा। हम बोले हैं आपसे कि व्यवस्थित करना होता है। इसमें क्या करना होता है? व्यवस्थित करना होता है, अर्थात इसमें नंबर है तो आप उस नंबर को ऐसा व्यवस्थित करेंगे कि वह खत्म हो जाए। ठीक है, सिर्फ अज्ञात राशि बचे तो 3 गुणे में है तो यदि 3 भाग में कर देंगे तो सिर्फ x बचेगा। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर हो जाएगा 3x भागे 3 बराबर 6 भागे। और देखिएगा जो चीज़ हम करेंगे दोनों साइड करेंगे, तो यदि भाग देंगे तो इस साइड में हमको करना होगा और इस साइड, यानी दोनों साइड हमें भाग करना होगा। तो देखिए 3 से 3 ही कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ x। 3 से इसे करेंगे तो थोड़ा तो इसका हल क्या हो गया? x बराबर 2। क्या हो गया? x बराबर 2। उत्तर की जांच भी करना है तो उत्तर की जांच करेंगे किस तरह? उत्तर की जांच जब जांच करेंगे तो 3x बराबर 6 दिया गया है x का मान 2 रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे और यह क्या आना चाहिए? 6। क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। इस तरह से हम उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, यानी देखिए बराबर 6 आ रहा है और 2 रखने पर हमारा क्या आ गया? 6 आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इसे हल करेंगे और उत्तर की जांच भी करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, नोट करिए इसे। नोट कर लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में भी आपको क्या करना है? व्यवस्थापन विधि के द्वारा ही हल करना है। प्रश्न संख्या जो 3 है इसमें भी आपको व्यवस्थापन विधि के द्वारा ही हल करना है। पहला दिया गया है y धन 10 बराबर 24। ठीक है, देखिए यही दिया गया है, y धन 10 बराबर 34 दिया गया है। तो आप इसे जब हल करेंगे तो कैसे करेंगे? हमें सिर्फ y चाहिए, 10 या धन है, यदि हम 10 इसमें घटा दें तो सिर्फ y बचेगा। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 10 घटाने पर
उसको क्या किया है, घटा दिया है। आप देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा सी टू वाई, दस धन है, दस ऋण है, जीरो हो जाएगा। चौंतीस में से चला जाएगा, दस चौंतीस हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या होगा, चौबीस। ठीक है, वाई बराबर चौबीस। अब ये उत्तर की जांच करेंगे, तो उत्तर की जांच जांच करेंगे तो क्या करेंगे, वाई धन दस बराबर चौंतीस आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो वाई की जगह हम चौबीस रखेंगे, धन दस बराबर चौंतीस आ गया। क्या हो गया, चौंतीस आ गया। तो एल एच एस और आर एच एस बराबर है, ठीक है। एल एच एस का मतलब क्या होता है, बाया पांच, क्या होता है क्या, बाया पांच, और यह जो होगा दाया पांच, ये जो होगा दाया पांच, ठीक है। बाया पांच बराबर दाया पांच, ठीक है। बाया पांच वाई धन दस है तो ये है, और जो दाया पांच क्या है, चौंतीस है, तो ये है, ठीक। दोनों बराबर आ गए, इसका अर्थ यह क्या हो गया कि जो y का मान है वह 24 है। इस तरह से प्रश्न नंबर तीसरा आप करेंगे। चौथा और पांचवा जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वह कल बताए जाएंगे, ठीक। नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिएगा। जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दोनों हमारा व्यवस्थापन विधि के द्वारा ही था, तो इस तरह से हम क्या किए, दोनों को हल कर लिए। अब जो इसका चौथा पांचवा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कल आपको बताया जाएगा, ठीक है।